हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, आपने आज से पहले अनगिनत प्लेन्स के गायब होने की या लापता होने की घटना तो ज़रूर सुनी होगी और शायद किसी मूवी में देखी भी होगी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल मलेशियाई एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से अचानक गायब हो गया था। अब इस घटना के घटे काफ़ी साल बीत चुके हैं लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला। मलेशियाई एयरलाइन के विमान MH370 ने 8 मार्च 2014 को राजधानी कुआलालंगपुर से उड़ान भरी। इस विमान को उस दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया, जिसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गईं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाज़ा लगाया गया था कि शायद विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। कुछ समय बाद यह माना जाने लगा कि विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा और इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में विमान की खोजबीन चली लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास का अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल भी सवार थे। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था लेकिन उसके बाद ही वो अचानक रडार की पकड़ से गायब हो गया। उसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। चारों तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इस विमान के पायलट ज़हारी अहमद शाह थे। कुछ ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली थी। हालांकि इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किए थे। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वास्तव में यह विमान किसी आतंकवादी ने या किसी आतंकवादी संगठन ने हाईजैक कर लिया था या उसे उसके पायलट ने ही डुबो दिया था? प्लीज़ हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।